Hello everyone, I am Shruti Keshavani. Welcome to my YouTube channel. Today I am here with Abacus. आज मैं आपके सामने Abacus का बिल्कुल starting part लेके आई हूँ, बिल्कुल introduction का part लेकर आई हूँ कि actually what is Abacus? Abacus का introduction क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो बात ये आती है कि अब Abacus हम सीखें क्यों? इतने सारे subject तो हो गए ना, अब हम Abacus और क्यों सीखें? Abacus हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि इसके benefits बहुत सारे हैं. और क्या है benefits? Like आपका concentration increase होता है, speed and accuracy आ जाती है, listening skills develop हो जाते हैं. Actually this is a whole brain development program. बच्चों को human calculator बना देता है ये Abacus. बच्चे exam तो देने जा रहे हैं school में, पर उनको calculator तो allowed नहीं है. पर जो ट्रेंड किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं Abacus के, वो तो Abacus साथ में लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि Abacus तो उनके माइंड में फीड हो जाता है. तो आइए हम देखते हैं Abacus से हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. Abacus में जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें फोर पार्ट्स होते हैं, लाइक डायरेक्ट, देन बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड, कॉम्बिनेशन. तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डायरेक्ट, कि हम Abacus में डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो दिस इज ई Abacus, दिस इज अ डिस्प्ले Abacus. नाउ इन डिस्प्ले Abacus देयर आर 13 रॉड्स इन माय डिस्प्ले Abacus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and last one is 13. तो टोटल कितने रॉड्स होगा इसमें? 13. पर जो आपके पास Abacus होता है, जो बच्चों का Abacus होता है, वो 6 रॉड का भी हो सकता है, 7 रॉड का भी हो सकता है, 13 15 17. बहुत से पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है. कोई डिफरेंस नहीं है. आप 6 रॉड का Abacus लेंगे उसमें भी आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे, पर थोड़ी शॉर्ट कर पाएंगे. आपने 13 रॉड का Abacus लिया है उसमें भी आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे. 15 17 एनी Abacus आप ले लीजिए, कैलकुलेशन आपकी सेम रहती है, ठीक है? तो ये वाला डाउट आपके क्लियर हो गए. आप कोई भी Abacus को यूज कर सकते हैं. अब नाउ देयर आर 5 पॉइंटर्स. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5. तो हाउ मैनी पॉइंटर्स आर देयर? टोटल 5 पॉइंटर्स आर देयर. दिस इज अ मिडिल पॉइंट, एंड मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड अ यूनिट पॉइंट. यूनिट, टेंस, 100 1000 10000 lakh 10 lakh, ठीक है? इसमें आप 10 लाख तक की कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बट मान लीजिए आपके पास थोड़े से कैलकुलेशन बड़े आ गए, तब आप बोलेंगे मैम इसमें तो सिर्फ 10 लाख तक की कैलकुलेशंस होंगे. नहीं, आप यूनिट रॉड तो हमारा ये है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट रॉड से करते हैं. बट मान लीजिए आपके पास कुछ कैलकुलेशंस ऐसे आ गए कि वो बहुत बिग हैं और इस रॉड के ही पार हो जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तब आप अपने यूनिट रॉड को ये वाला या ये वाला मान सकते हैं, ठीक है? अगर आपके कैलकुलेशंस बड़े हैं तो आप यहाँ से या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ अपर बीड वैल्यू इज 5 एंड लोअर बीड वैल्यू इज 1 ईच. ये जो येलो कलर का बॉल्स देख रहे हैं आप, इनको हम बोलते हैं बीड्स. अपर बीड वैल्यू क्या बताया मैंने? 5 एंड लोअर बीड वैल्यू इज 1. ओके, नाउ दिस इज 1 2 3 4. आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जब ऐड किया है, मैंने बीट्स को अप किया है, इट मींस ऐड. और ऐड मैंने कैसे किया है? यस, थंब से किया है. ऑलवेज रिमेंबर 1 2 3 4 ऐड विथ योर थंब. जब भी आप ऐड करते हैं तो थंब से करते हैं. अगेन देखिए, 1 2 3 4. 4 तक क्लियर हो गया. अब आपको 5 करना है, तो यहाँ पर 1 बीट तो और है ही नहीं, तो हम 5 तो कर ही नहीं पाएंगे. फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड फ्लोर में चले जाएंगे, मतलब कि ऊपर के माले में चलो चलते हैं. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड अ वैल्यू बार. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बार. जो भी बीट इस वैल्यू बार में टच होती है वो आपका क्या हो जाता है? आंसर. नाउ व्हाट अबाउट 5? दिस इज 5, ठीक है? जब भी आपको 5 ऐड करना होगा तो आप अपर बीट को डाउन कर देंगे. और किस से करेंगे? किस फिंगर से? इंडेक्स से.
ठीक है, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर. तो 5 ऐड विथ योर इंडेक्स फिंगर. नाउ व्हाट अबाउट 6, 7, 8, 9? ये तो 5 तक का हो गया. 6 के लिए हम करेंगे 5 and 1, 6, देन 7, 8, 9. तो 5, 6, 7, 8, 9. इतना क्लियर हो गया. थोड़ा सा रिवीजन आप करिए. ये हाउ मेनी बीट्स आर देयर? 5, 6, 7. तो 7 बीट्स हो गई लाइक दिस. अगर हमने 5 को ऊपर कर दिया तो दिस इज 2 एंड दिस वन 4, दिस वन 3, और ये 5 को डाउन कर दिया तो 8, और ऐसे कर दिया तो 5 and 1, 6. तो अपर बीट वैल्यू क्या है? 5. अगर हमको 9 करना होगा तो हम ऐसे कर देंगे. तो 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक बिल्कुल इजी है. समझ में आ गया? आइए अब हम मूव ऑन होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे? फॉर एडिशन मूव अपवर्ड, फॉर सब्ट्रैक्शन मूव डाउनवर्ड. अगर आपको प्लस करना है तो ऊपर, माइनस करना है तो नीचे. फॉर एग्जाम्पल 2 + 2, क्या करेंगे आप? 2 + 2 = 2. सो व्हाट इज द आंसर? 4. नाउ द क्वेश्चन इज 1 + 1 + 2. 1 + 1 + 2, दिस इज द आंसर. नाउ द क्वेश्चन इज 5 + 3 + 1. अब देखिए 5, 3, 1. सो व्हाट इज द आंसर? 9 इज द आंसर. बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. माइनस के लिए करते हैं अब हम, है ना. 2 - 2 - 1. सो 2 - -1. तो माइनस 1 के लिए हम क्या कर देते हैं? डाउन. तो अभी आंसर क्या है आपका? 3 इज द आंसर. अब हम क्वेश्चन लेते हैं 1, 1, 5 - 2. ठीक है, 1, 1, 5 - 2 के लिए 2 बीट्स को क्या कर दूंगी मैं? डाउन. एंड व्हाट इज द आंसर? 5. आइए और क्वेश्चंस लेती हूँ. लाइक क्वेश्चन है 7 + 2 - 4. अब आप क्या करेंगे? 7 + 2 - 4. सो व्हाट इज द आंसर? 5. अभी आपने देखा मैंने 6, 7 को ऐसे किया था, 8 को ऐसे करना है, 9 को भी और 6 को भी. मीन्स 6, 7, 8, 9 पिंच टुगेदर. एंड फॉर माइनस मूव अवे. फॉर एडिशन पिंच टुगेदर, फॉर सब्ट्रैक्शन मूव अवे. ठीक है, आइए हम और थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं. लाइक 2 + 2 + 5 - 2. 2 + 2 + 5 - 2. सो व्हाट इज द आंसर? 7. वन मोर क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगी और आंसर करते जाऊंगी इसमें. ठीक है, डायरेक्टली 1 + 2 - 1. तो 1 बीट डाउन, प्लस 2 तो 2 बीट अप, प्लस 5 तो 5 डाउन, माइनस 4 तो 4 बीट्स डाउन, प्लस 3 तो 3 बीट्स अप. एंड व्हाट इज द आंसर? 8. आई होप ये डायरेक्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगी. नेक्स्ट पार्ट रहेगा बिग फ्रेंड एडिशन का. ठीक है, थैंक यू.